हेलो दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है अपना चैनल रोशन ट्यूटोरियल पर और मैं हूं रोशन कुमार। आज के वीडियो में बात करेंगे मैथ के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट पे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब। तो ये जो वीडियो है मैथ ट्रिक का पार्ट 7 है। यदि आप लोग पार्ट 1 से पार्ट 6 तक देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में आप लोग को मिल जाएगा मैथ ट्रिक पार्ट के नाम से। तो आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में पार्ट 1 से पार्ट 6 तक देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि 57, 57 और 93 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। मतलब कि हमसे क्या पूछ रहा है कि 57 और 93 का लघुत्तम बता दीजिए क्या होगा। तो लघुत्तम तो आप लोग बचपन से ही बना रहे हैं कि कैसे निकालते हैं। तो क्या करिए कि 57 और 93 का लघुत्तम पूछ रहा है। तो देखिए कि सबसे छोटा कौन सी दोनों कट सकता है। तो 2 से तो कट ही नहीं सकता है, तो 3 से देखेंगे तो 3 से कटता है 57 भी। कितना मरतब है, 3 एकम 3 बच गया 27, तो 3 के 27 19 मरतब कट गया 57, 3 से 93 3 3 9 और फिर 3 एकम 3। अब बताइए कि 19 या 31 कोई भी चीज़ से कटता है, नहीं कटता है, कोई भी नंबर से नहीं कटता है। तो क्या करिएगा, एलसीएम निकालने के लिए क्या करिएगा, इसको 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 गुना कर दीजिएगा। यहाँ से लसा बराबर कितना हो जाएगा, 3 गुने 19 गुने 31। तो 19 तिया कितना होता है 57, 57 गुने 31। यदि इसको आपको मल्टीप्लाई करने नहीं आता है तो ये भी आज सीख ही लीजिए कि 57 गुने 31 कैसे करेंगे। लास्ट वाले को पकड़िए, 7 गुने 1 7। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इधर से इधर से, 5 एकम 5 और 7 21 और दोनों को जोड़ दीजिए, 21 और 5 कितना हो जाएगा 26, 26 के 6 हाथ में कड़ी बच गया 2। अब इसको गुना कर दीजिए, 15 15 और 2 17, यहाँ से कितना गया 1767। तो कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे, तो ये ऑप्शन सही है कि 57 और 93 का लघुत्तम समापवर्तक जो है 1767 होगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि सेक -5π/4 बराबर एक्स, तो एक्स का मान हमसे पूछ रहा है। तो एक्स का मान पूछ रहा है, एक ये भी बात जान लीजिए कि पाई का मान कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है, या पाई का मान 22/7 भी होता है या 3.14 भी होता है। ये तीनों मान को आप लोग याद रखना है, लेकिन हम लोग यहाँ पे पाई में ही सॉल्व करेंगे। तो एक आप लोग को फॉर्मूला पता होगा कि cos-θ बराबर कितना होता है और sec-θ। कभी भी कॉस और सेक दे दिया -θ में तो कभी भी कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। cos-θ cos-θ और sec-θ जो होता है sec-θ होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया, sec-5π/4, यदि थीटा बराबर 5π/4 हो गया, यहाँ पर क्या दिया sec-θ। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि sec-5π/4 बराबर x है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस, यदि sec-θ को क्या लिखते हैं sec-θ, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि sec 5π/4 बराबर जो है x है। अब एक बात बताइए, 5π/4 को हम क्या लिख सकते हैं, पाई प्लस पाई बाई फोर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, आप बताइए। इधर से क्या हुआ 4π और प्लस 5 5π/4, यदि एलसीएम लेंगे तो इसको इस तरह से लिखें बनाएंगे तो इसको क्या हुआ आसानी होगा। तो sec π + π/4 अब बराबर x। अब आप लोग जानते होंगे कि इसमें क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होता है। इसमें क्या होता है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। इसमें क्या होता है, टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, और इसमें जो होता है कॉस और सेक जो है पॉजिटिव होता है। तो sec π/π + π/4 मतलब क्या, पाई यहां से चले तो पाई यहां 180 डिग्री ही ना होता है, और उसके बाद π/4 मतलब कि करीब करीब यहाँ पहुँच गए। तो एक बात बताइए, टैन कोट इसमें पॉजिटिव होता है तब बाकी के का सब होगा निगेटिव होगा। तो sec π + π/4 बराबर x है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, यदि हम पाई को हटाना चाहें यहाँ पर क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, -sec π/4। यहाँ पर कॉस रहता है तो कॉस भी क्या होता है, -cos π/4, लेकिन tan π + π/4 क्या होता है, 10π/4 पॉजिटिव हो जाता है। अब आप लोग को पता होगा कि cos π
पाई बाई फोर का मान कितना होता है? सबको पता होगा कि कॉस पाई बाई फोर मतलब कितना, 180/4, 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√2। आ से का होता है कॉस का अपोजिट होता है, यहाँ पर कितना होता है x = −√2। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो गया? तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा कि x = −√2। तो x का मान कितना है, −√2 है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 10वीं कक्षा के डिवीजन ए में 60 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत 64 है। मतलब कि 60 छात्र जो है डिवीजन ए में है जिसका औसत अंक जो है 64 है, मतलब कि 64 है। फिर कह रहा है कि डिवीजन बी के 40 छात्रों के अंकों का औसत 60 है, मतलब कि बी के जो है 40 लड़का है, 40 छात्र है, उसमें जो उसका अंकों का औसत 60 है, और डिवीजन सी के 60 छात्रों के अंकों का औसत जो है 58 है। तो हमसे पूछ रहा है कि 10वीं कक्षा के तीनों डिवीजन के छात्रों के अंकों का औसत ज्ञात करें। मतलब क्या, पहले जो है तीनों के अलग अलग औसत ज्ञात है, अब कह रहा है कि तीनों डिवीजन के साथ ही करके औसत बताइए कि कितना होगा। तो इसको कैसे बनाएंगे सो भी देख लीजिए। तो इसको लिए कुछ मत करिए, क्या कर रहा है, औसत हमसे पूछा कि तीनों डिवीजन का एक साथ, मतलब कि नया औसत, तो नया औसत बराबर क्या करिए ना, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। डिवीजन ए में कितना 60 छात्र है, 60 छात्र है ना, तो 60 गुना कर दीजिए जितना औसत है, तो 60 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत कितना है, 64, तो गुना 64 प्लस कर दीजिए। डिवीजन बी के 40 छात्रों के अंकों का औसत 60 है, मतलब कि डिवीजन बी में कितना लड़का है, 40, 40 को छात्र है, उसका औसत अंक कितना है 60, तो गुना कर दीजिए 60 से, फिर प्लस कीजिए। और डिवीजन सी के 60 छात्रों के अंकों का औसत 58 है, मतलब कि डिवीजन सी में कितना छात्र है, 60 को, और उसका औसत कितना है 58, तो गुना 58 कर दीजिए। अब बटा में कर दीजिए कि कुल कितना छात्र है, तो ए में 60 छात्र, बी में 40 छात्र, और सी में 60 छात्र, तो ए प्लस बी प्लस सी मिल गए कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी के छात्र कितना हो जाएगा, तो 60 है प्लस 40 और प्लस 60, टोटल 160। तो 160 से इसको भागा दे दीजिए। अब देखिए 60 × 64 कितना होता है, सबको पता होगा, नहीं पता है तो मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। तो 60 × 64 का होता है 3840, 40 × 60 2400, आ प्लस 60 × 58 3480, आ भागा 160। तो ये पूरा कैलकुलेशन करने के बाद जो है आता है इसका वैल्यू 60.75, 60.75। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, किसका जो है 60.75 जो है कक्षा 10वीं कक्षा के तीनों डिवीजन के छात्रों का औसत होगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड में भी शेयर करें। तो क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है कि यदि 3x - 8 × 2 − x = −19, तो x का मान है, तो x का मान हमसे पूछ रहा है, इसको कैसे बनाएंगे सो देखिए। तो 3x - 8 × क्या दिया है कि 2 − x, ब्रैकेट का मतलब क्या है, गुना है, −19। तो 3x, अब एक बात बताइए, 8 × 2 क्या होता है 16, माइनस क्या आगे माइनस, तो 16। फिर उसके बाद 8 × x 8x, −× − क्या होता है प्लस होता है, तो प्लस 8x = −19। 3x + 8x कितना होगा 11x, और −16 इधर है तो उधर जाके क्या होगा प्लस 16, −19 + 16 कितना हो जाएगा यहाँ से −3। एक्स का मान कितना हो गया −19 + 16 −3, इधर 11 गुना में था तो इधर जाके क्या होगा भागा में, तो एक्स का मान जो आ गया −3/11। तो कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे, तो ए ऑप्शन सही है कि एक्स का मान जो है −3/11 है इस क्वेश्चन के अनुसार। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पांचवा कह रहा है यदि x − y = 6 और xy = 40, तब x² + y² का मान ज्ञात करें। तो हमसे पूछ रहा है कि x² + y² का मान बताएं, तो इसको कैसे बनाएंगे सो देखिए। एक बात बताइए, यदि x - y दिया है,
तो एक्स माइनस वाई का हम लोग स्क्वायर कर दे तो क्या होता है, एक्स माइनस वाई का स्क्वायर तो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस टू एक्स वाई, होता है कि नहीं होता है। अब जिसका जिसका मान पता है ना उसको उसको पुट कर दीजिए, एक्स माइनस वाई का मान कितना है पता है, छ, तो छ का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसी का तो मान पूछ रहा है, इसको एक ब्रैकेट में कर दीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस दू गुना एक्स वाई, एक्स वाई का मान कितना है चालीस, तो यहाँ से कितना हो गया चालीस दूनी के अस्सी। अब एक बात बताइए कि इधर माइनस में तो इधर जाके क्या होगा प्लस में होगा, तो एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर बराबर छ का स्क्वायर छत्तीस है और माइनस दू गुना चालीस अस्सी इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो छत्तीस प्लस अस्सी, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना हो गया अस्सी या तीस, एक सौ दस और छः एक सौ सोलह, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान एक सौ सोलह हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो ए ऑप्शन सही है कि एक सौ सोलह। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, छठा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि यदि एक्स प्लस वाई बराबर फोर्टीन और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर सौ, तब एक्स वाई का मान ज्ञात करें, तो हमसे एक्स वाई का मान पूछ रहा है, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ एक्स प्लस वाई, तो यहाँ पर हम लोग वही फॉर्मूला लगा देंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस टू एक्स वाई, यदि यहाँ पर बीच में निगेटिव रहे तो यहाँ पर निगेटिव होता है, यदि प्लस रहे तो यहाँ पर प्लस होता है। अब सब का मान पुट कर दीजिए, एक्स प्लस वाई का मान कितना है चौदह, तो चौदह का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान पता है, पता है सौ, तो सौ और प्लस टू एक्स वाई, तो चौदह का स्क्वायर कितना होता है एक सौ छियानवे होता है, और सौ इधर है तो इधर आगे क्या होगा माइनस सौ और भागा, इधर दो गुना एक्स वाई है तो यदि एक्स वाई खाली लाना है तो क्या होगा दो से इधर भागा कर देंगे, क्या हो जाएगा एक्स वाई बराबर एक सौ छियानवे माइनस सौ बाटा दो, एक सौ छियानवे में से सौ हो जाएगा तो कितना बचेगा छियानवे, और छियानवे को भागा दीजिएगा दो से तो कितना हो जाएगा, तो एक्स वाई का मान कितना हो जाएगा अड़तालीस, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है, तो ए ऑप्शन सही है कि एक्स वाई का मान जो है अड़तालीस है। तो कभी भी इस टाइप का प्रश्न है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिए कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यदि आप लोग को फॉर्मूला नहीं पता है तो आप लोग को ये भी वीडियो बना हुआ है कि इस जिसमें स्क्वायर क्यूब सब कुछ लिखा हुआ है, आप लोगों को प्लेलिस्ट में लिंक मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड में भी शेयर करें, थैंक यू।